शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कमजोरी हो तो उस समस्या को दूर करने का काम ये मेडिसिन करता है। शरीर में खून की कमी या फिर कमजोरी की समस्या है तो उस समस्या को ये मेडिसिन जड़ से ठीक करने का काम करता है। न्यूरोपैथिक पेन की समस्या में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ये समस्या जैसे कि आपके नसों में किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या रहता है, नसों से रिलेटेड अगर कोई समस्या रहता है तो इस समस्या को ये ठीक करने का काम करता है ये मेडिसिन। जैसे कि अगर आपको कभी नसों पे किसी प्रकार से चोट लग जाती है या फिर इंजरी होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तो इस समस्या को ये मेडिसिन जड़ से ठीक करने का काम करता है। और इस मेडिसिन का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या रहती है, मरीज को क्या तकलीफ रहता है, कौन सा रोग रहता है, कौन सी समस्या रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन खाने के लिए बताया जाता है। इस मेडिसिन का डोज क्या होता है, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, किसको ये मेडिसिन लेना है, किसको नहीं लेना है, एक दिन में ये मेडिसिन कितनी बार लेना होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। ये मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखता है। और जैसे कि हमने आपको बताया है, ये मेडिसिन न्यूरोपैथिक पेन की समस्या में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी को चोट लग गया है किसी के नसों पे, या हम कह सकते हैं अगर किसी का सर्जरी हुआ है तो उसके कारण वहां पे काफी ज्यादा दर्द की समस्या रहती है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा यह मेडिसिन काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। या फिर बहुत किसी को कमजोरी की समस्या रहती है या फिर उसके हाथ पैरों में जलन की समस्या रहती है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में अगर खून की कमी रहती है तो उसमें क्या होता है, उनके हाथ और तलवे के साइड में काफी ज्यादा जलन की समस्या रहती है, पंजों में यानी हाथों में आपने देखा होगा भभक के जैसा महसूस होता है, पैरों में एकदम भभक के जैसा महसूस होता है, तो इस सारी समस्याओं को यह मेडिसिन जड़ से ठीक करने का काम करता है। जैसे कि अगर कोई लेटते वक्त या फिर काम करते वक्त जो उसकी नसें होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी कभी देखा होगा आपने कि आपकी नसें अकड़ जाती हैं गले के साइड में या फिर पैर के साइड में, आपने देखा होगा आप लेटते होंगे तो एकदम आपको आपका पैर है जो उसमें ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, ऐठन की समस्या रहती है, जलन की समस्या रहती है पैरों में, तो इन सारी समस्याओं को ये मेडिसिन जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन होता है। और इस मेडिसिन का उपयोग डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर किसी का शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण उनके नसों में काफ़ी ज़्यादा नसों से रिलेटेड अगर उनके नसों में दर्द रहता है या नसों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या रहता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी को अधकपारी की समस्या रहती है यानी उसके आधे सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, उसका आधा सिर ऐसा लगेगा कि फट जाएगा, तो उस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। आपने देखा होगा अगर किसी के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है यानी कान के साइड में नसों से संबंधित अगर उसे किसी भी प्रकार की समस्या रहती है तो उसके फेस पर ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द की, कान के साइड में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है, तो इन सारी समस्याओं में ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करता है यानी काफ़ी अच्छा काम करता है। और जैसे कि आपने देखा होगा यदि किसी के शरीर में खून की कमी रहती है तो उसमें क्या होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा हाफा लगता है यानी उसका मन कोई भी काम करने को नहीं करता है, उसे चक्कर के जैसा महसूस आता है। जब किसी के शरीर में खून की कमी रहती है तो आपने देखा होगा कि अगर वो कोई काम करता है तो वो तुरंत बैठ जाता है या फिर लेट जाता है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं करता है, और जैसे कि उसे एक प्रकार से बहुत ज़्यादा नींद की समस्या आती है, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन दिया जाता है। ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा मेडिसिन होता है, ये मेडिसिन कमजोरी को एक प्रकार से जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि अगर किसी के हड्डियों में किसी भी कारण से लाठी डंडा का चोट हो या फिर गिरे पड़े का चोट हो, उसकी वजह से उसके नसों में या फिर हड्डियों से रिलेटेड अगर उसके हड्डियों में किसी भी प्रकार से दर्द की समस्या रहती है या फिर नस में किसी भी कारण से दर्द की समस्या रहती है, तो इन सारी समस्याओं को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है। ये ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर बना के रखता है जिससे आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो सके। जब आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो आपके शरीर में नसों से संबंधित अगर कोई समस्या नहीं रहेगी। और जैसे कि अगर किसी को एनीमिया की कंडीशन रहती है यानी अगर किसी के शरीर में खून की कमी रहती है तो ये खून की कमी को एक तरीके से प्रॉपर
उसकी मेंटेन रखने का काम करता है। और जैसे कि खून की कमी अगर किसी को रहती है तो आपने देखा होगा उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या रहती है, या फिर चिंता के जैसा महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, या फिर अगर उसे अदर किसी रीजन से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में रहता है, या फिर उसे टेंशन की समस्या रहती है, वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अपने आप को अजीब तरह से फील करता है, तो इन सारी समस्याओं को ये मेडिसिन जड़ से ठीक करने का काम करता है, क्योंकि ये मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो इस मेडिसिन का डोज होता है डॉक्टर के मरीज की स्थिति और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी बॉडी वेट और उसकी एज के अकॉर्डिंग इस दवा का डोज डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि ये दवा दिन में एक बार या दो बार डॉक्टर के द्वारा लेने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं, इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट देखा गया है। जैसे कि आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग की समस्या हो सकती है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको ईचिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन यूज करें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें।